2015 की कादंबरी मूवी आज हम सुनाने जा रहे हैं। डायरेक्टर सुमन घोष, आईएमडीबी रेटिंग 7.1। कादंबरी देवी की जीवनी जो प्रेरणा बनी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का, क्या संबंध थे उनके बीच। ये साल है 1868, दिन 5 जुलाई। एक छोटे से मामूली घर से जमींदार घराने की बहू बनकर जोड़ा शंको ठाकुरबाड़ी में आई 9 साल की कादंबरी, जिसकी शादी हुई है मध्य उम्र के ज्योतिर इंद्रनाथ टैगोर से। बड़ी बड़ी आंखों से डोली के अंदर से अपनी नई दुनिया को झांक रही है कादंबरी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी छोटी नदी की मछली का एक बड़े से समंदर में मिल जाना। दिन भर आयोजन में इतने बड़े बड़े लोगों के बीच कादंबरी की नजर उसी के हम उम्र के गोल मटोल लड़के पर पड़ी, जो काफी देर से छुप छुप कर घर की नई बहू को देख रहा है। ये ज्योतिरिंद्रनाथ के छोटे भाई रविंद्रनाथ टैगोर है और रिश्ते में कादंबरी के देवर, जिसे प्यार से लोग रवि कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे कादंबरी इस घर के रंग ढंग में ढलने लगी, मगर फिर भी एक छोटे बच्चे को जैसे दोस्त की कमी महसूस होती है, जिसके साथ वो बिना किसी मर्यादा के घुल मिल सके, वो कमी इस घर में केवल रवि ने पूरी की। दोनों साथ पाठ सुनते, खेलते कूदते, यहाँ तक कि लड़ते और झगड़ते भी है। इस घर की मछली बहू गणनंदिनी, रूप से अपूर्व सुंदरी, गुण से परिपूर्ण, पढ़ी लिखी, जैसे भगवान ने कोई कमी ही न रखी हो। मछली बहू और कादंबरी के पति, इन दोनों भाभी देवर की आपस में बहुत बनती है। वो इतिहास की, साहित्य की, खासकर शेक्सपियर के उपन्यास पर घंटों बैठकर चर्चा करते, और ये बातें कादंबरी के पल्ले ही नहीं पड़ती, उसके समझ में सिर्फ रवि की बातें आती। लाजमी भी है दोनों एक ही उम्र के जो ठहरे। मछली बहू के पति यानी कादंबरी के जेठ सत्येंद्र नाथ को कादंबरी नई बहू के रूप में इस जमींदार घराने के लिए उचित पात्र नहीं लगती, लेकिन पिता के फैसले के सामने सबके हाथ बंधे हैं। कादंबरी के पिता इस घर के नौकर है, पर अब तो ये बेटी का ससुराल बन चुका है और जल्द ही उसका यहाँ से दाना पानी भी उठ गया। पिता के चले जाने का दुख भी कादंबरी किसी से बांट ना सकी। तब रवि की बदमाशियां उसका मन बहलाती, उसे हंसाती, और इस तरह समय के रफ्तार में दोनों युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन बचपने की आदत गई नहीं अभी तक। कादंबरी का पति काम के सिलसिले में महीनों बाहर ही रहता है और वो उलझी रहती है घर, किताबों और रवि में। कादंबरी ने हमेशा अपने पति को खुद से एक स्थान ऊपर रखा, जैसे वो उनसे प्रेम नहीं उनकी पूजा करती हो। शायद इसी फर्क की वजह से उनमें कभी पति पत्नी का प्रेम उभर नहीं पाया और ना ही एक दूसरे को इसकी जरूरत ही महसूस हुई। धीरे धीरे कादंबरी में निखार आने लगा। अब वो झल्ली से रहने वाली कादंबरी रूप यौवन में मछली बहू को पीछे छोड़ गई, और ये एहसास मछली बहू को अखड़ने लगा है। तभी तो वो उससे कटी कटी रहती है। घर की सबसे बड़ी बहू साहित्य में बहुत रुचि रखती है, उन औरतों में से है जो पुरुष प्रधान समाज में लिखने का साहस करती है। पर इस व्यवस्थता में उनकी 28 साल की बेटी उर्मिला नौकरानी के हाथों पलने लगी, मगर कादंबरी को उर्मिला से बड़ा प्रेम है। वो रवि के लिखे कविता को गीत बनाकर उर्मिला का मन बहलाती, उसे पुचकारती, क्योंकि संतान का सुख अभी तक कादंबरी की झोली में नहीं आया है। वो अपने पति की नजरों में आने के लिए सचती है, सवरती है, यहाँ तक कि साहित्य में भी रुचि लेने लगी ताकि उनके बराबर आ सके। एक दिन कमरे में कादंबरी ने ना जाने कितनी बातें कही, लेकिन वो तो किसी और ही ख्यालों में खोया है, कोई जहाज कंपनी बनाने की सोच रहा है। पर जैसे ही मछली बहू अंदर आई, वो बिस्तर से छलांग लगाकर उठ बैठा और बड़े ही उत्साह से उसे ये सारी बातें बताने लगा, जैसे कादंबरी वहाँ मौजूद ही नहीं। ये बात मछली बहू भी खूब समझती है और कादंबरी भी। इधर रवि ने कब कविता लिखना शुरू किया और कब से नई बहू कादंबरी उसकी प्रेरणा बन गई मालूम ही नहीं। अब तो विभिन्न पत्रिका में आए दिन उसके लिखे लेख भी छपते हैं। जब रवि उसे पढ़कर सुनाता, कादंबरी का रोम रोम खुशी से खिल उठता। चलो, कहीं तो उसकी जरूरत है, कहीं तो उसे तवज्जो दी जाती है। और इस तरह जिंदगी से एक हिस्सा चुरा कर दोनों अपनी ही दुनिया में रहते, कभी घंटों बातें करते हुए दिन को ढलते हुए देखते। अब तो कादंबरी ने अपने पति के पास जाने की कोशिश भी छोड़ दी। एक कलाकार को उसकी प्रेरणा और उस प्रेरणा को उसकी सही जगह देने वाला मिल जाए तो दुनिया की सुध-बुध किसे रहती है। लेकिन घर के बाकी सदस्य और नौकरों को उनका हंसना बोलना अखड़ने लगा। लोग बातें सुनाने लगे,
उनकी दोस्ती को गलत नाम देने लगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो बांझ है। उसे रोता देख बड़ी बहू ने उर्मिला का भार कादंबरी को सौंपा। अब से तुम ही उसकी माँ हो। यहाँ दूसरी तरफ रवि को विदेश भेजा जा रहा है वकालत की पढ़ाई करने, जिसमें उसे जरा से भी रुचि नहीं, मगर बाबा की बात टाल नहीं सकते। जाने से पहले वो कादंबरी के कमरे में विदा लेने आया। कादंबरी बोली, मुझे रोज खत लिखोगे ना, बिना एक भी दिन भूले। पिछड़ते वक्त पहली बार उन्हें एक दूसरे से दूर जाने की पीड़ा का अनुभव हुआ, जो इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। कैसे प्रेम का नाम देना सही होगा। कादंबरी का पति भी अगले दिन उसे लेकर चंदन नगर रवाना हुआ, जहां उसकी नई जहाज कंपनी का काम शुरू होने वाला है। 2 दिन बाद ही रवि वापिस आ गया। समुद्री यात्रा में तबीयत खराब होने की वजह से वो जा नहीं पाया और यहाँ भैया और कादंबरी के पास चला आया। उसे सामने पाकर कादंबरी कितनी खुश है, ये बात ज्योतिरिंद्रनाथ से भी छुपी नहीं। और उसके बाद से ही वो रवि को दूर भेजने के नए नए रास्ते ढूंढने लगा, कभी बम्बई कभी त्रिपुरा। ज्योतिरिंद्रनाथ बीच बीच में काम से आता जाता रहता है। यहाँ कादंबरी को मन ही मन ये डर सताता कि कभी किसी दिन तो रवि को जाना होगा। जैसे जैसे उसका नाम होगा, यश होगा, लोग उसे उससे दूर ले जाएंगे, तब शायद वो उसकी कविता की पहली श्रोता नहीं बन पाएगी। उनका ये डर ही उन्हें एक दूसरे के पास ले आया। एक दिन नौका विहार करते हुए कादंबरी का पति हट करने लगा कि चलो आज यहाँ से तैर कर किनारे तक जाया जाए। कादंबरी ने झट से रवि की बांह पकड़ उसे कूदने से रोका। शायद कादंबरी के पति को कभी पानी में कूदना ही नहीं था, उसे तो सिर्फ देखना था कि कादंबरी किसे जाने से रोकती है, और जवाब साफ है। एक दिन मछली बहू के बेटे के जन्मदिन पर रवि को कलकत्ता जाने का न्योता आया। जाते हुए उसने कादंबरी से वादा किया कि वो रात तक लौट आएगा। मछली बहू ने रवि से बहुत सवाल किए, तुम भैया भाभी के पास चंदन नगर में क्यों पड़े हो, कलकत्ता वापस क्यों नहीं आते हमारे पास, और हाँ आज रात रुकना है तुम्हें। इधर शाम को जन्मदिन के जश्न में ज्योतिरिंद्रनाथ भी आया है और उधर कादंबरी घर पे अकेली है। वो लौट तो जाता, लेकिन मछली बहू ने रोक लिया, उनके बीच गैर संबंध है। मगर रवि ने वादा किया है, बारिश में भीगता हुआ भी वो लौट आया। आज कादंबरी का भी जन्मदिन है जो उसे याद है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने कई एहसास लिए खड़े हैं और बीच में मर्यादा की एक लकीर खींची है, जिसे पार करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं पाते। इतने दिनों बाद अब कादंबरी अपने पति के साथ कलकत्ता वापस घर लौट आई, जहां मझली बहू भी रहती है। नन्ही उर्मिला को सीने से लगाकर वो बेहद खुश हुई। ज्योतिरिंद्रनाथ फिर अपने काम में मशरूफ हो गया और कादंबरी उर्मिला के साथ। एक दोपहर अनर्थ हो गया। कमरे में खेल रही उर्मिला के पास कादंबरी की आंख लग गई और उर्मिला ना जाने कब बिस्तर से उतरकर वरांडे की सीढ़ियों पर से गिर गई और बच नहीं पाई। सबने कादंबरी को बहुत ताने दिए। सगी माँ से कम प्यार तो नहीं किया था कादंबरी ने उस नन्ही से जान से। अब एक दिन मछली बहू ने अपने पति को एक पत्रिका दिखाई, रवि की लेख छपी है, जिसमें उसने अपने प्रेमिका का वर्णन किया है और सबको मालूम है कि असल में वो कादंबरी के लिए है। मछली बहू ने जोर दिया, इससे पहले घर की इज्जत बाजार में उछले, हमें रवि की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे मालूम है वो बाबा की बात नहीं टालेगा और जल्द ही वो लड़की भी देखाए। रवि ने एक रोज कादंबरी से पूछा भी कि क्या वो ये शादी कर ले, क्या वो यही चाहती है। कादंबरी ने अपने सारे एहसास दबा लिए, जिनका कोई भविष्य ही नहीं, उन सपनों को पंख देकर क्या होगा। उसे भी लग रहा है कि रवि की तरफ मेरा रुझान समाज की नजर में पाप है, पर वो अपने पति की तरफ मुड़ना भी चाहे तो उसे बस उनकी पीठ नजर आती है। हाल ही में उसे पता चला कि वो थिएटर में किसी नई अभिनेत्री के साथ समय गुजार रहे हैं, इसीलिए रात रात भर घर नहीं लौटते। पूछने पर भी कादंबरी को उससे सीधा जवाब नहीं मिलता। अब जल्द ही रवि की शादी हो गई, अब उसका कादंबरी के पास भी जाना कम हो गया और उनकी दूरी बढ़ती चली गई। असल में कादंबरी की सबसे दूरी बढ़ने लगी। एक दिन वो रवि के खाली कमरे में गई, जहां सुबह से शाम तक उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मेज पर पड़ी एक किताब के पन्ने पे उसने कुछ लिखा देखा, ये रवि की है लेकिन मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो इकलौता रिश्ता जो उसका अपना था वो खो चुका है और कादंबरी भी खो गई है।
चुपचाप अपने कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी कादंबरी एक बार फिर उस अंधेरे से खुद को निकालने की कोशिश करती है। एक बार और हिम्मत की जाए रोशनी ढूंढने की। आज शाम ज्योतिन्द्र नाथ की जहाज कंपनी का उद्घाटन है। उन्होंने कहा था, तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। आज कादंबरी खुद सजी, जैसे बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है। आज कादंबरी में अंतिम तेज दिख रहा है। इंतजार करते करते रात हो गई, वो नहीं आए। उसकी तो एक बार के लिए आंख भी लग गई। फिर उठकर उसने जल्दी से अपने बाल सही किए, पहनी हुई साड़ी ठीक की। अब वो क्या करे, तो वो बिस्तर पर पड़े कपड़े तय करने लगी। तभी उसके पति की कुर्ते से एक खत मिला, किसी औरत का है, वो पेट से है, ये उन दोनों का बच्चा है। तभी नीचे से आवाज आई, ज्योतिन्द्र बाबू नहीं आ पाएंगे, गाड़ी भेजी है। मगर अब वाकई में बहुत देर हो चुकी है, जिंदगी की गाड़ी फिर से पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अच्छा है कि यही आराम कर लूं। सुबह दरवाजा तोड़कर खोला गया, कादंबरी मर चुकी है। साथ ही उसके सारे अरमान, एक माँ, एक पत्नी, एक प्रेमिका बनने के सारे अरमान भी उसके साथ सो गए। घर वालों ने बदनामी के डर से उसकी आत्महत्या को असमय मृत्यु का नाम देकर बात दबा दी। आगे जाकर कादंबरी की जीवनी पर एक उपन्यास लिखा, जिसका नाम भी था कादंबरी। कादंबरी की मौत की खबर ने रविंद्रनाथ टैगोर को तोड़कर रख दिया। कादंबरी की याद में उन्होंने कई गीत और कविताएं लिखी। मूवी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।